हेलो नमस्कार, जय हिंद। मेरे देश के भावी फौजियों, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं जो टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं जो सुबह वीडियो डाला था यारो बियारो जेडारो की, जो भर्ती राजस्थान के अंदर चलनी है, उसकी फुल अपडेट मैंने सुबह के वीडियो में दिया था। मैंने सुबह के वीडियो में टेरिटोरियल आर्मी के जितने भी बच्चे तैयारियां कर रहे थे उन सभी मैसेज मुझे बहुत कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और मुझे समय की अभाव होने के कारण टेरिटोरियल आर्मी की जानकारियां तो मैंने दो दिन पहले जुटा लिया लेकिन आप तक नहीं रख पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं, आप सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, आप जाना चाहते हैं, फिर भी आपकी भाषाएं जो है गलत है, आपको यह भाषाएं नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप गलत गलत कमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे चुतिया हैं जो कि क्या बोलते हैं उनको कुछ जानकारियां नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे करना है। अबे चुतिया, तुम बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, तुम उन चैनलों से पूछो। बहुत सारे चैनल हैं जो कि 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर है, हैं चुतिया लोग, उन लोगों से पूछो। तुमको मैं सुबह की वीडियो में क्या बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैं जानकारियां दे रहा हूँ? चुतिया, वीडियो पूरा अंत तक देखा करो। जितने भी साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो हमको देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वीडियो आप अंत तक देखा करें, अन्यथा आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और आप भर्म जाल में होकर के उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं और आप बोलते हैं। आप पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद आप किसी के बारे में उंगली उठाया करें, अन्यथा ऐसे उंगली उठाने वाले को हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ऐसे में भी आप सभी को बताने का काम सही और सटीक करता हूं। मुझे चुतियापन वाला बात नहीं है कि रोज़ रोज़ मैं टेरिटोरियल आर्मी अपने घर से मैं जानकारियाँ दूँगा, इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं चैनल को शेयर दबा के करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पहली चीज़ आपकी यही कमी है कि आप चैनल को शेयर नहीं करते हैं। देख रहा हूँ चैनल को, जो चैनल आपको जानकारियाँ नहीं देती है उस चैनल को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, तो आखिरकार उन चैनलों से आप पूछो ना, फिर हमको क्यों बता रहे हो, फिर कमेंट उल्टा पुल्टा कर रहे हो। तुम्हारी गुलाम तो मैं नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आया यार, मैं वीडियो देखा कमेंट में तो मुझे गुस्सा आया। मैं सुबह की वीडियो में यही बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी के भाई जितने भी हैं, हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, वह काफ़ी परेशान हैं। मैं आप सभी के लिए एक बम्फर न्यूज़ लाया हूं जो कि शाम को वीडियो में बताऊंगा क्लियरली। ये नहीं मैं बताया कि इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जा करके अभी भी सुन सकते हो उस वीडियो में, वीडियो क्लिप को जा करके आप देखो। चुतिया बच्चे, जिनको वीडियो अच्छा लगता है वही देखे, अन्यथा मैं किसी को बांध कर नहीं रखा हूँ कि आप मुझे हमारी चैनल पर आएँ और मुझे फॉलो करें। आप देखें, आप जा सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपको वीडियो में आने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लियरली जानकारी देता हूँ, केपी स्टडी को 25 लाख सब्सक्राइबर दिए हो, 5 लाख सब्सक्राइबर और को दिए हो, सभी को जिसको भी फॉलो किए हो उससे पूछो ना कि तू आखिरकार हैं, जो पर्दे में होकर के वीडियो बनाते हैं और आपको कुछ जानकारियाँ नहीं देते हैं, चुतिया बनाते रहते हैं, फिर भी उसको फॉलो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो दबा के, समझो उससे। चलो आखिरकार मैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मुझे जानकारियाँ, मुझे जिसको अच्छा लगती है उसके लिए मैं आज बम्फर न्यूज़ लाया हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी की, आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैं जानकारियाँ देता हूँ। जी हाँ साथियों, भारत देश के अंदर मैं एक ऐसा बात बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो टेरिटोरियल आर्मी का सटीक और सही जानकारी आपको ला देगा। आपको मुझे चेहरा से लग रही होगी इस बात को। जब से टीओडी लागू हुआ है, टूर ऑफ ड्यूटी, मैंने 13 तारीख का वीडियो देखना, 14 तारीख को आपकी टूर ऑफ ड्यूटी लागू होनी थी और 13 तारीख को मैंने आपको बता दिया था कि आपको तो कोर्ट की दरवाज़ा ठकाना ही पड़ेगा। मुझे जानकारियाँ थी कि ऐसा ऐसा आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता दिया था कि जितने भी टेरिटोरियल आर्मी की भी तैयारी करने वाले साथी हैं, इनरोलमेंट एयरफोर्स इनरोलमेंट के हैं, आर्मी से रिलेटेड जितने भी हैं, सभी कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को ठुक ठुकाना आपको पड़ेगा। आप जा करके 13 तारीख के वीडियो देख सकते हैं, आप जा करके देखिए। मैं आपको पहले जानकारियाँ दे दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी चुतियापन ही कुछ लोग हैं जो करते रहते हैं। खैर, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बंद नहीं हुई है, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आएगी, आप सभी घबराए नहीं, मैं जानकारियां में जुटा हुआ हूँ। टेरिटोरियल आर्मी की जानकारियां अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आए, जो चुतिया कह रहा है भर्ती स्टार्ट हो गया, भर्ती बंद हो गई, टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया,
पांच फलान बोल रहा है, उस चुतियों को पूछो कि आखिरकार तुम्हारी घर पे आई है क्या लेटर। टेरिटोरियल आर्मी का मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को साथियों, आप हौसला को बुलंद रख के और टेरिटोरियल आर्मी की तैयारियाँ करें। मैं आपको बुलंदी के साथ बोलता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियाँ आएगी ही आएगी 110%। कल 152TA की GOC जो है सो उन लोगों को बता रहा था 152TO और 122 जो आपकी हरियाणा की जो रेजिमेंट है उसका जो GOC है वो वहाँ पे बताया जा रहा था। टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियाँ नहीं बंद हुई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका टर्म एंड कंडीशन बहुत जल्दी आपके सामने होगी, मैं आपको बता दूंगा। जो अभी सूत्रों की डिफेंस एक्सपर्ट की मामलों की जानकार जो हैं उनसे मुझे यह जानकारियां मिली, जो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर है, टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर्ड है, जो फौज जो ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड है, उनका यह मानना है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होगी, उनसे वो टेरिटोरियल आर्मी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी का प्रभाव टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पड़ेगा, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ साथियों, क्लियरफाई कर दिया हूँ। और मुझे एक जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियाँ सोर्सेज से आ रही है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में आपका दो चीज़ का चेंजेज मिलने की संभावना है। पहली चीज़ एज का प्राथमिकता भारतीय सेना ने दिया है और टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर भी लाया है, तो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी आपको आने की संभावना है, मैं आपको यह पुष्टि करता हूँ। पहली चीज़ एज, दूसरी चीज़ कि नेशनल स्किल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट को कुछ बेनिफिट्स अगली भर्ती में टेरिटोरियल आर्मी को मिलने की संभावना है, जैसा सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारियां मिल रही है। बाकी आप सभी को वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो के आप यदि पूरा देखिएगा तभी मुझसे सवाल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे वीडियो को आधे अधूरा देख करके आधी ज्ञान को लेकर के और उचकने वाली काम मत किया कीजिए, क्योंकि आपको भारतीय सेना में जाना है, किसी का सटीक और सही जानकारियां यदि देता है तो उसको डिमोटिवेट करने का काम आप मत किया कीजिए। मुझे गुस्सा बहुत आ रही थी आप लोगों का कॉमेंट देखा, तो आप पहले वीडियो क्लिप को जा करके देखता नहीं है, कुछ करते नहीं हो और आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो और किसी के ऊपर उंगली उठाते हो। मैं तो बोला किसी भी वो ऐसा चुतिया है, जो चुतिया मुझे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करो, बताओ तुम कहाँ से जानकारी लाते हो, अपने घर से तुम भर्ती लाते हो, किसी के बहकावे में आप लोग साथियों मत आया करे। मैं आपको बराबर बोलता हूँ टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बंद नहीं हुई आएगी, अभी तो मुझे गुस्सा है, नहीं तो और मुझे टेरिटोरियल आर्मी की जो जानकारियाँ मिली है वो और मैं बताता, लेकिन आप सभी उस जानने का लायक नहीं है, जैसा आप सभी कमेंट करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर दबा के किया कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, आप अपने तक वीडियो को रखे रह जाते हैं, हमारे जितने भी नए युवा साथी हैं टेरिटोरियल आर्मी की तैयारियाँ करते हैं उन तक बात नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आप गलत सलत मत किया कीजिए। आप सभी गलत जानकारियां देते हैं, यही गलत है आपकी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके लिए बहुत सारा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर का जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिली हैं वो इस वीडियो के माध्यम काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं नहीं बता पाया हूँ, अगली वीडियो में मैं आप तक सभी बात को रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।